मैं हूँ स्वस्तिक और आप देख रहे हैं कॉलेज गाइड। तो जिसका बहुत दिनों से सभी को इंतज़ार था कि स्लाइड अप ऑप्शन कब आएगा, बहुत टेंशन में थे सभी की अगर मुझे नीचे कॉलेज दे दिया गया है या किसी को अपने घर से काफ़ी दूर कॉलेज दे दिया गया है उसके बाद भी स्लाइड अप ऑप्शन नहीं मिल रहा था तो आखिर करें तो करें क्या। अंततः बच्चों ने सोचा कि स्पॉट में जाएंगे, लेकिन स्पॉट में भी सीट का टेंशन रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि स्लाइड अप आ गया है और अब पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने स्लाइड अप दे दिया, आखिरकार लास्ट का 2-3 बचा हुआ है और एडमिशन का, तभी पाटलिपुत्र ने स्लाइड अप का ऑप्शन दे दिया है। तो देखिए पूरा प्रोसेस जानिए कि कैसे कैसे आप स्लाइड अप करेंगे, क्योंकि गलती कर दी है तो फिर स्लाइड अप में भी आपका चांस खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जैसे ही आप अपना PPU पे आएंगे, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, जैसे ही आप यहाँ इस वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में एडमिशन पोर्टल के लिए ऑप्शन आता है। यहाँ जैसे ही आप एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करेंगे उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको एक इस तरह का पेज खुल करके आएगा, अगर इस्तेमाल करें तो। और यहाँ पर आपको इस मेरिट स्टेटस में आपको क्लिक करना है। मेरिट स्टेटस में जैसे ही आप क्लिक करिएगा आपको उसके बाद आगे ऑप्शन मिल में क्या आएगा नीचे में आपका, देखिए ये जो भी आप, जैसे कि इस बच्चे का मैंने स्लाइड अप करवा दिया है, यू हैव ऑलरेडी चूजन द स्लाइड अप ऑप्शन। देखिए अब मैं आपको एक और दिखा देता हूँ जिसमें स्लाइड अप अभी तक नहीं हुआ है। देखिए जैसे ही इसमें क्लिक करके आया है जैसे, तो इस छात्र का जैसे कि 5वां नंबर पे दिया गया था कि कोई कॉलेज है तो वहाँ पे इनको एडमिशन के लिए मिला था, लेकिन ये अगर वहाँ पे नहीं चाह रहे थे और ये ऊपर वाला प्रेफरेंस में चाह रहे थे तो उसके लिए अब स्लाइड अप ऑप्शन यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे क्या आपको ध्यान में रखना है बातचीत, उसको ध्यान में रखिए, पढ़ लीजिए पूरा जानकारी सही से, उसके बाद ही करिएगा नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर करंट पोजिशन इन द मेरिट लिस्ट, इफ नॉट एंड देयर स्टिल हायर प्रेफरेंसेज कॉलेज कोर्स ऑप्शन अवेलेबल, यू कैन क्लिक द बटन बिलो टू कंसिडर द फॉर द नेक्स्ट मेरिट लिस्ट। क्या आप अपनी वरीयता सूची की स्थिति से संतुष्ट हैं? यदि नहीं और यदि आपके अभी तक अपनी परम तरजीह में स्थान नहीं मिला है तो नीचे आप दिए गए बटन को क्लिक करके स्लाइड अप का विकल्प कर अगली मेरिट लिस्ट हेतु विचाराधीन हो सकते हैं। देखिए अब इसका मतलब समझ लीजिए, गलती करेंगे तो फिर स्लाइड अप ऑप्शन इस बार भी हाथ से निकल जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनिए करना क्या है कि यहाँ पे जिसका भी अगर फर्स्ट में, फॉर एग्जांपल अगर किसी का ये फर्स्ट कॉलेज मिल गया तो उसको स्लाइड अप का मतलब चाहे कि हमको दूसरा मिल जाए तो नहीं मिल सकता। ऐसा भी कमेंट आया था मेरे को कि फर्स्ट में गलती से किसी ने कोई दूसरा कॉलेज डाल दिया उसको वही कॉलेज दे दिया, तो अगर फर्स्ट के बाद स्लाइड अप सोच रहे हो तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इनके सेकेंड में आपको दे दिया तो सेकेंड में भी चांस नहीं है, चांस सेकेंड में भी बहुत कम है, हो सकता है थर्ड में चाहे मिल भी जाए दोबारा अगर स्लाइड अप आता है तो, लेकिन देखो बहुत मुश्किल से एक सेकेंड चांस में स्लाइड अप आया तो थर्ड का तो भूल ही जाओ। इसके बाद अगर किसी का चौथा पाँचवा या उसके नीचे है तब उसको स्लाइड अप का ऑप्शन दिखाया जा रहा है इस बार, ठीक है। बाई चांस हो सकता है किसी को सेकंड या थर्ड में मिला हो, लेकिन सबसे ज़्यादा यही चांस है कि चौथा पांचवा भी जिसका मिला है उसी को स्लाइड अप का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। यहाँ जैसे आओगे इसको ध्यान से पढ़ लो और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको कि आई वॉन्ट टू बी कंसिडर फॉर द नेक्स्ट मेरिट लिस्ट। जैसे इसको क्लिक करोगे उसके बाद मैं दिखा देता हूँ कि आपको कैसा ऑप्शन आएगा, क्या क्या आएगा, वो जब तक नहीं आएगा आप देख लेना, क्योंकि जब आएगा वो ऑप्शन तभी आपको पता चलेगा कि स्लाइड अप हो गया है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं यहां पे लिखा हुआ आ गया है कि यू हैव ऑलरेडी चूजन द स्लाइड अप ऑप्शन, मतलब कि अब इनका स्लाइड अप हो गया। जैसे आप क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, शुरू शुरू में कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप क्लिक कर देंगे तो थोड़ा क्षण वेट करिए और उसके बाद दोबारा लॉगिन करिए। जब 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा लॉगिन करेंगे तो इस तरह का कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यू हैव ऑलरेडी चूजन द स्लाइड अप ऑप्शन। जैसे ही ये स्लाइड अप ऑप्शन का आप एक्शन कर लेंगे इसके बाद अब आपको कब एडमिशन का बात पता चलेगा वो देखिए। जैसे ही आप स्लाइड अप ऑप्शन चुन लेंगे और आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि यू हैव बीन सिलेक्टेड स्लाइड अप फॉर स्लाइड अप ऑप्शन, जैसा कि मैंने दिखाया पिछले में, तो अब आपको सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करना होगा जो 20 सितंबर को आएगी, और 20 सितंबर को आपको उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा आगे किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है। तो स्लाइड अप में आपको इस प्रकार एडमिशन लेना है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको स्लाइड अप और ऐसी ही सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को फैला दीजिए, ठीक है, ताकि सबका कल्याण हो जाए, ठीक है। स्लाइड अप ऑप्शन आया, अगर सही में स्लाइड अप ऑप्शन से आप लोग खुश हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही।